यूपीएससी ज्ञान दायनी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं नेहा प्रयागराज से आप सभी का यहाँ पर एक बार फिर मैं स्वागत करती हूँ। और आज फिर मैं संविधान में आगे ही देखेंगे। वैसे आज मैं पहले से ही बता दे रही हूँ कि मैं सुप्रीम कोर्ट के विषय में बताऊंगी। सुप्रीम कोर्ट कब से लागू हुई, कब से इसे जाना पहचाना गया, थोड़ी थोड़ी डिटेल बताऊंगी, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाने के कारण, तो लंबा वीडियो हो जाता है तो आप लोग भी उतना पसंद नहीं कर रहे हैं, तो जैसा आप लोग पसंद करेंगे मैं वैसा ही वीडियो बनाऊंगी। मैं कोशिश करूंगी कि 20 से 30 मिनट का ही वीडियो बन पाए, क्योंकि इतने में सुप्रीम कोर्ट खत्म करना बहुत बड़ी बात होगी। अगर पूरा आज सुप्रीम कोर्ट नहीं खत्म हो पाएगा तो मैं इसका आगे का भाग कल दूंगी आप लोगों को, तो इसलिए आप लोग निश्चिंत रहें, आप लोगों को सारी बातें बताई जाएंगी। जैसा कि इसमें इतने समय सुप्रीम कोर्ट में क्या है, किस भाग में है, कहाँ से लिया गया है, मैं इसमें हर एक बात की चर्चा परिचर्चा यहाँ पर करूंगी। और चलिए शुरू करते हैं, आइए आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय लिखा हुआ है, तो इसके बारे में पहले बताते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय कैसे कैसे हुआ, किस भाग में है, किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है। तो जैसे न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर आती है, तो न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय कैसे कैसे आई, मैं इस विषय में बताती हूँ आपको। तो जैसे मैं आज सर्वोच्च न्यायालय ही सिर्फ पढ़ाऊंगी, तो न्यायपालिका में हाई कोर्ट भी आता है और सुप्रीम कोर्ट भी आता है, तो मैं आज हाई कोर्ट ना पढ़ाकर सुप्रीम कोर्ट पढ़ा रही हूँ। फिर इसके आगे अगर ये जैसे ही खत्म हो जाएगा मैं आप लोगों को सुप्रीम हाई कोर्ट भी पढ़ाऊंगी। तो चलिए देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भाग 5 अध्याय 4 अनुच्छेद 124 से लेके 147 तक है। ये याद करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जितनी बातें मैंने अभी कही कि भाग 5 अध्याय 4 अनुच्छेद 124 से लेके 147 तक है। यहाँ पर देख सकते हैं मेंशन भी है कि अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147 तक संवैधानिक प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय के विषय में बताया गया है। न्यायाधीशों की इसमें कुल संख्या बता दी गई है, क्योंकि ये मैं आप लोगों से पहले ही बोली थी कि अगर आप आरओ पीसीएस 2023 के लिए और आरओ 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक ले लीजिएगा। ये बुक से लगभग 80% क्वेश्चन यहीं से आएंगे। संविधान के हों, ये सारी बुक सारे सब्जेक्ट की अभी भी मार्केट में उपलब्ध है, आप लोग ले सकते हैं। यहाँ तक कि इसका लेटेस्ट आ चुका है तो आप लोग उसे भी ले सकते हैं 2022 का। तो जैसे यहाँ पर बताया कि भारत में संघीय शासन प्रणाली है यहाँ पर, तो यहाँ पर केंद्र तथा राज्य के लिए एकात्मक न्याय प्रणाली है। तो आप लोग यही सोचेंगे कि एकात्मक क्यों है, जब राज्य में आप अलग बता रहे हैं, केंद्र में अलग बता रहे हैं, तो एकात्मक कैसे हुए। तो एकात्मक इसलिए मानी गई है कि पहले तो सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट होता है, फिर हाई कोर्ट होता है, फिर जिला न्यायालय हो जाते हैं, फिर अधीनस्थ न्यायालय हो जाते हैं। पर जैसे सबसे नीचे का अधीनस्थ न्यायालय सिविल न्यायालय माना जाता है, तो उसी प्रकार एकात्मक इसलिए कहा गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा हाई कोर्ट का जो निर्णय होगा उसे सुप्रीम कोर्ट चेंज कर सकती है, और चेंज करके वो जो भी निर्णय लेगी वही लागू हो सकता है। इसलिए भारत में एकात्मक शासन प्रणाली या एकात्मक न्याय प्रणाली का प्रयोग है या किया जाता है। जैसे कि हाई कोर्ट किसी निर्णय को दिया और जिस व्यक्ति के या जिस संस्था के बारे में निर्णय है अगर वो संतुष्ट नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देगा वही फिर लागू होगा, फिर उसमें हाई कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ पर एकात्मक शासन प्रणाली या न्याय प्रणाली की व्यवस्था की गई है। जैसा कि बताया जाता है कि भारत में संघात्मक न्याय प्रणाली की अवधारणा पहली बार भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा ली गई थी। जैसे हम बता रहे हैं कि इसमें 1935 से ही प्रक्रियाएं सारी शुरू हो गई थी। तो स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों आवश्यक है या किस लिए है, तो इसमें स्वतंत्र इसलिए क्योंकि विधि के शासन की अवधारणा निहित है। न्यायपालिका का ये कर्तव्य है कि वह विधि के शासन की रक्षा और कानून की सर्वोच्चता सुनिश्चित करें। इसलिए यहाँ पर ये बताया गया कि ये स्वतंत्र न्यायपालिका है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं मोटा मोटा ऐसे बता देती हूँ कि न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है। तो प्रारंभ में इसमें न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर कुल 8 थी और अभी वर्तमान में 34 है, 33 न्यायाधीश है और एक मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, अब इसमें यह आता है कि गठन तिथि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रश्न बनता है, तो यहाँ पर गठन तिथि का नहीं बनता है कि कब इसका गठन हुआ। तो इसका गठन लगभग सभी लोग जानते हैं 26 जनवरी 1950 को हुई थी, लेकिन इसकी उद्घाटन तिथि जो होती है वो 28 जनवरी 1950 को है। जैसा कि पीसीएस
बिहार एमपीपीसीएल 2013 में ये प्रश्न पूछा गया था कि भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन तिथि किस तिथि को माना जाता है, 26 जनवरी, 28 जनवरी, 1950, 29 जनवरी 1950। तो आप ये उत्तर दे सकते हैं कि उद्घाटन तिथि 28 जनवरी 1950 को माना जाता है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आता है कि यहाँ पर इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो शपथ कौन दिलाता है इन्हें, मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाएगा, तो शपथ यहाँ पर राष्ट्रपति दिलाते हैं, ठीक है। और नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कोलेजियम की सिफारिश पर की जाती है, जैसा कि आप अभी मैं आगे चल के और इसको विस्तार से बताऊंगी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है और नियुक्ति कौन करता है वो भी राष्ट्रपति करता है। सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है, तो 65 वर्ष होती है। पद त्याग, तो राष्ट्रपति को संबोधित करके ये पद त्याग कर सकते हैं अपना, ठीक है। आगे देखिए, जो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये है, यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद प्रश्न यही से पूछे जाते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय से महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो यही से पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। तो जैसे कि पहला अनुच्छेद 124 कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना का गठन, मतलब उच्चतम न्यायालय की स्थापना का गठन अनुच्छेद 124 के अंतर्गत दी गई है। अब जो उच्चतम न्यायालय, इसकी जो गठन हुई कैसे हुई है, मैं इसे आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं कि व्याख्या करें कि ना करें, क्योंकि वीडियो लंबा होने के कारण मैं भी सोचती हूँ कि शॉर्टकट, और आप लोग शॉर्टकट ही ढूंढते हैं। शॉर्टकट से आज तक किसी का लाभ नहीं हुआ है। आप छोटी मोटी नौकरी तो पा जाएंगे शॉर्टकट से, लेकिन आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं उसमें शॉर्टकट है ही नहीं कि आप केवल अनुच्छेद याद कर लें और आपको न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय याद हो जाएगा या तैयार हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो कुछ बहुत तो व्याख्या आपको देखनी ही पड़ेगी या पढ़नी ही पड़ेगी। तो जैसे सर्वोच्च न्यायालय के गठन संबंधी कानून बनाने की शक्ति सिर्फ संसद को है, संसद ही ये निर्धारण करेगी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 34 संख्या है इसमें, ठीक है, 33 न्यायाधीश है और एक मुख्य न्यायाधीश है। नियुक्ति इनके अनुच्छेद 124 के अंतर्गत मैंने बताया, जैसे आप देख सकते हैं कि नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेगा। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से वरिष्ठतम क्रम का पालन करना होगा। अन्य न्यायाधीशों की जैसे नियुक्ति करनी है तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जैसे वहां पर ऊपर दिया था कि कोलेजियम व्यवस्था या कोलेजियम की सलाह से करनी होगी, तो आप लोग वहां देख सकते हैं कि ये कोलेजियम व्यवस्था के अनुसार करनी होगी, ठीक है। तो उसके आगे कोलेजियम सलाह से करनी होगी। इस कोलेजियम में मुख्य न्यायाधीश सहित 5 वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे। कोलेजियम जिन लोगों का सुझाव देगा वही लोग यहाँ पर आकर व्यवस्था कर सकते हैं, ठीक है। तो सुझाव देगा मुख्य न्यायाधीश, सलाह पर मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति उन्हीं की नियुक्ति करेगा। आप लोग इसे देख सकते हैं। अब इनकी योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए कि अनुच्छेद 124 के अंतर्गत जब इनकी उच्च न्यायालय स्थापना हो रही है, तो जैसे मुख्य न्यायाधीश की क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो जैसे आप देख सकते हैं कि 65 वर्ष आयु, कम से कम 65 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो, उसके बाद एक या एक से अधिक हाईकोर्ट में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, एक या एक से अधिक हाईकोर्ट में 10 वर्ष तक, कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, एक या अधिक हाईकोर्ट में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, अगर इनमें से कोई भी एक लागू उसके पास योग्यता होगी तो वो मुख्य न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, ठीक है। यह राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधि वेत्ता रहा हो, मतलब कोई भी जैसे होता है ना कि राष्ट्रपति के पद से या राष्ट्रपति उसे किसी तरह नियुक्त कर दे तो चलो ठीक है। शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाता है, जैसे मैंने पहले बताया। हटाया जाना, अब जैसे आप यहाँ पहले देख सकते हैं अनुच्छेद 125 के अंतर्गत न्यायाधीशों के वेतन इत्यादि की व्याख्या की गई है, बताया गया। अनुच्छेद 124 के अंतर्गत बताया गया कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, कार्यकारी जब न्यायाधीश का पद खाली हो तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश वहां पर नियुक्त होगा, तो 126 के अंतर्गत। फिर 127 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शायद 124 के बाद 127 आप याद कर सकते हैं, 126 और 125 छोड़कर, तो 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तदर्थ क्या क्या होते हैं इसकी भी मैं व्याख्या करूंगी। फिर आता है 128 उच्चतम न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति क्या होगी, कैसे होगी, ये भी मैं बताऊंगी आपको। फिर आता है अनुच्छेद 129 अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय, अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय की व्याख्या की गई 129 में, कैसे कैसे होगी व्याख्या मैं दूंगी अभी। और फिर आता है अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार। फिर 132 से 136 तक जो है सर्वोच्च न्यायालय का अपीली क्षेत्राधिकार है, जैसे यहाँ वो अपीली या अभिलेखी रहा, ठीक है। फिर आता है 142 137 में उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनः विलोकन जो होता है, पुनः विलोकन करना कैसे कैसे क्या होगा।
आता है 141 आता है। 141 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विध भारत के सभी न्यायालयों पर अबाधिकार करना, ठीक है। 100 अनुच्छेद 142 उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन एवं प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश देना। अनुच्छेद 143 जो है, जो मैंने राष्ट्रपति में भी आपको ये अनुच्छेद बताया था कि अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से सलाह करने की शक्ति है, पर राष्ट्रपति इसे बाध्य नहीं कर सकता कि मतलब जो उच्चतम न्यायालय सलाह दिए उसे वो माने ही, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आता है कि हटाया जाना कैसे, कैसे हटाया जाएगा, ये देख सकते हैं आप लोग। हटाया जाना तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना आधार कदाचार या असमर्थता है, असंबंधित अनुच्छेद 124(4) और 124(5). अब जैसे मैं यहाँ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल दो आधारों पर हटाया जाना है, यह साबित कदाचार या असमर्थता। तो यहाँ जैसे दिया है कि साबित कदाचार या असमर्थता कि वो उसके लिए समर्थ ही नहीं है कि वो मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए जैसे बीमार हो गए, अब तो ये निर्णय ही नहीं ले पा रहे हैं तो असमर्थ माने जाएंगे, तो असमर्थता के कारण उन्हें हटाया जा सकता है। हटाए जाने की महाभियोग प्रक्रिया संसद के किसी सदन के द्वारा प्रस्तावित की जा सकती है। राज्यसभा अपने 50 सदस्यों की और लोकसभा अपने कम से कम 100 सदस्यों की पूर्व सहमति से महाभियोग प्रस्ताव कर सकती है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं इधर आप देख सकते हैं कि महाभियोग प्रस्तावित होने के बाद मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली 1-3 सदस्यीय टीम न्यायाधीश पर लगाए गए आरोप की जांच कर सकती है। यदि आरोप सही पाया जाता है तो संसद के दोनों सदन विशेष बहुमत से इस आरोप को सिद्ध कर देंगे। ऐसे में राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटा देगा, ठीक है। अब आता है वेतन भत्ते, एक सेकंड आप समय दीजिए। वेतन भत्ते क्या कहते हैं, अब इसमें वेतन भत्ते जैसे मुख्य न्यायाधीश का वेतन भत्ता यहाँ पर 2,80,000 बताया गया, लेकिन अब इतने समय बढ़ चुका है। अन्य न्यायाधीशों का 2.5 लाख बताया जा रहा है, जैसे यहाँ पर अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2.5 लाख बताया जा रहा है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक अनुच्छेद बताया कि अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो तदर्थ न्यायाधीश कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। जैसे राष्ट्रपति की संस्तुति पर मुख्य न्यायाधीश तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। नियुक्ति किस प्रकार की होती है, अस्थायी होती है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात है, अस्थायी यहाँ पर इनकी नियुक्ति होती है, ठीक है। अस्थायी इनकी नियुक्ति होती है। फिर आगे देखते हैं कि इसमें और आगे क्या दिया हुआ है। तो तदर्थ न्यायाधीशों को पीठों में न्यायाधीशों की नियुक्ति भी होती है, मतलब पारित की जाती है। अब आता है न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे कैसे होती है। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति आप जैसे देख सकते हैं कि वरिष्ठ पहले ही बताया गया कि वरिष्ठ क्रम जो वरिष्ठ होगा सबसे, उस क्रम से ही मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। और नियमित न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, तो वो पहले ही बता दिए आपको कि कोलेजियम व्यवस्था के द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है। कार्यवाहक जैसे यहाँ पर लिखा ना, कार्यवाहक की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है, तो 126 के अंतर्गत की जाती है। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाएगी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति जो अनुच्छेद 127 में दिया गया है, इसका जब कोरम पूरा नहीं होता है, जैसे इनका कोरम 1/10 होता है, तो जब कोरम पूरा नहीं होता है तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है 127 के अंतर्गत। 128 के अंतर्गत जैसे कोई व्यक्ति कोई उच्चतम न्यायालय में सेवन मतलब रिटायर्ड हो गया न्यायाधीश की नियुक्ति, तो वो अनुच्छेद 128 के अंतर्गत रिटायर्ड न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ये मतलब सरल भाषा में आप समझ सकते हैं। अगर यहाँ पर आप सेवन निवृत्ति नहीं समझ पा रहे हैं तो आप रिटायर्ड, तो जो रिटायर्ड होंगे और तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, तो इनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति करेगा। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की सलाह पर ही करेगा। तो यहाँ पर इनकी नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश करेगा परंतु राष्ट्रपति की सलाह पर करेगा, ठीक है। अब आता है अगला, मैं आपको बताऊंगी जैसे सर्वोच्च न्यायालय की कार्यविधि कैसी कैसी इनकी कार्यविधियां हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय महत्वपूर्ण संवैधानिक मामलों की सुनवाई पीठों की स्थापना करके करता है। पीठों में न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होती, 5 से नीचे तो होगी ही नहीं, क्योंकि सबसे न्यूनतम इनकी संख्या 5 मानी जाती है। और अभी तक सबसे बड़ी पीठ केशवानंद भारती की पीठ रही है जो 13 न्यायाधीशों की संख्या रही है। तो इनकी हमेशा नियुक्ति 5, 7, 9, 11, 14 के अनुसार होती है। तो यहाँ पर लाइट चली गई, थोड़ा सा वेट करिए। तो 5, 7, 11, 9, 12 की जाती है। और अभी तक सबसे बड़ी केशवानंद भारती जो 1973 में बड़ी पीठ, क्योंकि इनकी संख्या न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, 13 थी। केशवानंद भारती बात आप याद कर सकते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अभी हाल फिलहाल 2021 में इनकी मृत्यु हुई थी।
आप इन्हें देख सकते हैं अच्छे से। इसके आगे आप आते हैं कि जैसे गोलकनाथ के निर्णय को बदलने के लिए केशवानंद, अब गोलकनाथ की 11 की पीठ थी और गोलक और केशवानंद भारतीवाद की 13 की पीठ हो गई। अब आगे देखते हैं, पन्ना पलटते हैं, आप आगे देखिए यहाँ पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए उपाय। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए उपाय क्यों है, तो जैसे कि दिया गया विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों में बाधा न पहुंचाए, इसलिए इसे स्वतंत्र माना जाता है कि ये स्वतंत्र रहे। सरकार के अन्य अंग न्यायपालिका के निर्णयों में हस्तक्षेप न करे, इसलिए इसे स्वतंत्र रहने दिया जाना चाहिए। न्यायाधीश बिना भय या भेदभाव के अपना कार्य करें। अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी तो वो बिना भय के काम ही नहीं करेंगे, क्योंकि न्यायाधीश को तो कोई भी डरा धमका सकता है ना। कोई का मतलब कि जैसे राष्ट्रपति, जैसे हमारे प्रधानमंत्री या कोई भी जो उच्च पोस्ट पर बैठे हैं कि हमारा ये केस है, इस पे सकारात्मक ही निर्णय आना चाहिए, ऐसा ऐसा कहके बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर उच्चतम न्यायालय के संवैधानिक के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, तो किस बात के, तो केशवानंद भारतीवाद में 1973 में। भारतीय संविधान का संरक्षक तथा अभिभावक कहा जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार है तो सर्वोच्च न्यायालय को है। भारतीय संविधान में न्यायिक पूर्णावलोकन का आधार है तो विधि का शासन, मैंने पहले ही बताया कि विधि का शासन यहाँ पर लागू होता है। सर उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति या घटाने की, अब घटा तो सकती नहीं है, जैसे 5 से तो नीचे कर ही नहीं सकती, तो संसद को है। तो जैसे अब इतने समय सबसे बड़ी पीठ 13 की थी तो 13 से अब अधिक की ही पीठ होगी। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किया जाता है संसद द्वारा अनुच्छेद 125(1) के अंतर्गत। सेवानियुक्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं, किसी भी न्यायालय में नहीं, कहीं भी, मतलब अब न्यायाधीश जैसे रिटायर्ड हो गए तो किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन उन्हें तदर्थ या कार्यवाहक के रूप में बुलाया जा सकता है, वो भी राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के कोलेजियम में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल है, तो 4 वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल रहते हैं। ठीक है, इधर देखिए, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है मूल अधिकारिता के अंतर्गत। मैं अभी इसको बताऊंगी क्योंकि मैं आगे अपने नोट इसमें खुद ही इंक्लूड की हूँ, तो उसमें सब कुछ मेंशन है पहले से ही। तो ये जैसे केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है, किसके अंतर्गत आती है, तो मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। उच्चतम न्यायालय की अब तक की सबसे बड़ी पीठ 13 न्यायाधीश गठित की गई थी केशवानंद भारतीवाद में 1973 में। वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में सुधारात्मक याचिका दाखिल की जा सकती है, तो अनुच्छेद 142 मतलब उच्चतम न्यायालय अपने प्रति भी मतलब याचिका दाखिल कर सकती है। जैसे वो किसी निर्णय को बाद में विचार किए या विमर्श किए कुछ भी किए तो वो अपने निर्णय को भी चेंज कर सकते हैं। ये उच्चतम न्यायालय के पास शासन या मतलब इतनी पावर है उनके पास कि अपने भी निर्णय को चेंज कर सकते हैं, सोच विचार के सुधार कर सकते हैं अपनी याचिका पर, अनुच्छेद 142 के अंतर्गत। आप इसे अच्छे से याद कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार है राष्ट्रपति को, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आप बताइए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया 1993 में। जनहित याचिका की माता के नाम से जाना जाता है पुष्पा कपिला हिंगो रानी को। तो ये जो जनहित याचिका है ना, जिसका पब्लिक इंटरेस्ट मतलब जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन के नाम से जानते हैं, तो माता किसे माना जाता है, तो आप तो इतना याद कर सकते हैं पुष्पा। आजकल पुष्पा चल भी रहा है, पुष्पा झुकेगा नहीं, तो आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, माता जो रहे वो पुष्पा रहे जनहित याचिका के नाम से, क्योंकि आजकल पुष्पा हर एक छोटे छोटे बच्चे के नाम पे, बड़े से बड़े बच्चे के नाम पे, आदमी या इंसान या औरत सबके नाम पे पुष्पा है। तो पुष्पा कपिला हिंगो रानी को जनहित याचिका की माता कहा जाता है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के कार्यवाहियों की भाषा है अंग्रेजी है। अभी तक यहाँ पर हिंदी मतलब ऐसे आपके वो, जैसे अब हम जाएं कि हमारी याचिका है तो हिंदी में हमको नहीं मिलेगा, हमको अंग्रेजी में, हमें दूसरों से पढ़ाना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या होगा। अब यहाँ पर आता है PIL। अभी PIL सबसे जनक देश कौन है, तो USA में PIL मतलब जनहित याचिका की शुरुआत USA से हुई है। ठीक है, भारत में इनके जनक हुए PN भगवती रहे हैं। भारत में शुरुआत कब हुई, तो 1979 में। जैसे विविध संघ सूची में कितने विषय हैं, मूल सूची में 97 रहे, वर्तमान में 100 हैं, राज्य सूची में मूल में 59 रहे हैं, 66 रहे हैं, इतने समय शायद 60 हैं,
समर्थित स्थिति में 47 रहे, अभी 52 है। विविध अनुच्छेद ये देख सकते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है 371 महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है, 371 का नागालैंड के राज्य में, 371 का असम, 371 का ये मणिपुर राज्य, ऐसे मतलब आपको मिलान करने के लिए पूछ सकता है कौन सा अनुच्छेद किस राज्य से संबंधित है, तो आप इन्हें 371 से 371 गा तक याद कर सकते हैं अच्छे से। इसके आगे मेरी ये देखो आप नोट्स देख सकते हैं, और मैंने यहाँ तक आपको बता ही दिया है, अब इसके आगे मैं आपको डिटेल कर देती हूँ थोड़ा सा। हाँ, अब इसमें जैसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए उपाय, तो न्यायाधीश निष्पक्ष और निडर होकर निर्णय दे सके, इसके लिए न्यायपालिका को निम्नलिखित उपायों के द्वारा सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त करने की कोशिश की गई है, जैसे नियुक्ति में क्या कि वरिष्ठतम क्रम हो, कोलेजियम व्यवस्था को नियुक्त का आधार बनाकर नियुक्ति को सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त कर दिया गया। हटाए जाने में राष्ट्रपति को केवल महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, महाभियोग लगाने की प्रक्रिया बहुत कठिन, अतः न्यायाधीश अपनी नौकरी को लेकर निडर रहता है। वेतन भारित व्यय होने के कारण वेतन सरकार की कृपा पर निर्भर नहीं है, सरकार उसके सेवा काल के दौरान वेतन में कटौती भी नहीं कर सकती है। आचरण के संबंध में अनुच्छेद 21 में बताया गया है, 121 में बताया गया है कि न्यायाधीश के आचरण पर अब तक कोई टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती जब तक कि उसके हटाए जाने की प्रक्रिया संसद में न चल रही हो। रिटायर होने के बाद न्यायाधीश न तो वकालत कर सकते हैं, न ही उसे किसी लाभ के पद पर नियुक्त किया जा सकता, अतः वह बिना किसी लालच के निष्पक्ष होकर फैसले देगा, इसलिए क्योंकि उसे पता है कि आगे चलकर हमको न तो कहीं वकालत करने का मौका मिलेगा और न ही हम किसी लाभ के पद पर जा सकते हैं, इसलिए वो निष्पक्ष होकर अपने फैसले देगा। जाहिर सी बात है, अगर किसी को लालच हो कि अभी अरे हमको और भी जाना है, जैसे और भी अभी हमको फिर से मौका मिल सकता है, तो वो चाहे एक बार सोचे भी तो, पर ऐसा कुछ है भी नहीं। सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारताएं क्या क्या हैं, तो जैसे हमने प्रारंभिक अधिकारताएं, अपीली अधिकारताएं, सलाहकारी अधिकारताएं एवं अन्य, तो अब जो आरंभिक अधिकारता है वो अनुच्छेद 131 के अंतर्गत आती है और जो अपीलीय अधिकारता है वो 132 से 134 का तक आती है। सलाहकारी अधिकारता है अनुच्छेद 143 के अंतर्गत आती है, अन्य तो अभिलेखीय अधिकारता 129 के अंतर्गत और पुनर्समीक्षा की अधिकारता 137 के अंतर्गत आती है। तो आप पहले आरंभिक अधिकारता 131 देख लेते हैं, ऐसे मुकदमे जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में दायर किए जाते हैं और जिनकी सुनवाई केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट करता है, ये आरंभिक अधिकारता है। जैसे देख सकते हैं आप पूरा पढ़ने मतलब लंबा है, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, राज्यों के बीच विवाद, जैसे पहले केंद्र और राज्य और फिर राज्य राज्य जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच हो, तो वो भी सिर्फ और सिर्फ आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आएंगे। केंद्र और एक राज्य एक तरफ और अन्य राज्य दूसरी तरफ भी इसी के अंतर्गत आएगा। जैसे आप देख सकते हैं ये निम्नलिखित, लेकिन ये जो दो हैं तो ये प्रासंगिक मामले आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत नहीं आएंगे। नदी जल विवाद अनुच्छेद 262 के अंतर्गत ये आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत नहीं आएगा। संविधान लागू होने के पूर्व की गई संधियां भी आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत नहीं आएंगी। जैसे अपीली अधिकारिता में क्या क्या है आप देख सकते हैं, संवैधानिक मामले में अपीली, सिविल मामले में अपीली, फौजदारी मामले में अपीली, 132 से 134 तक, और अपीली मामले सिविल मामले 133 से और फौजदारी मामले 134 के अंतर्गत, विशेष अपील अनुच्छेद 136 के अंतर्गत, आप इसे डिटेल पढ़ सकते हैं, मैंने इसलिए अपने नोट्स दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया हो तो ऐसे मामले मतलब साधारण मारपीट के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं होती है। विशेष अपीली मामले अनुच्छेद 136 के अंतर्गत आते हैं, आप इसे देख सकते हैं, डिटेल बहुत ज्यादा करेंगे तो आप लोग भाग जाते हैं, इसलिए सलाहकारी अधिकारिता अनुच्छेद 143 के अंतर्गत आती है कि राष्ट्रपति किसी मामले में लेकर आप जैसे उसे संतुष्ट नहीं है, जैसे हम किसी को सामंजस्यपूर्ण और जैसे असमंजसपूर्ण स्थिति में होता है तो वह सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई सलाह के अनुसार राष्ट्रपति कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है। बस सलाह ले लिया, उसकी इच्छा होगी तो मानेगा, नहीं इच्छा होगी तो नहीं मानेगा, ठीक है। अभिलेखीय अधिकारिता अनुच्छेद 234 के अंतर्गत आती है, सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी कहा जाता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को साक्ष्य महत्व होता है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णय किसी अन्य कोर्ट के समक्ष साक्ष्य के रूप में रखे जा सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं। रिट अधिकारिता क्या क्या होती है, कितने प्रकार की रिटें होती है, तो आप देख सकते हैं कि 5 प्रकार की रिटें होती है, आदेश जारी के, बंदी प्रत्यक्षीकरण,
बंदी प्रत्यक्ष यदि पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो उसे 24 घंटे के भीतर उस व्यक्ति को सशरीर निकट के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। इस 24 घंटे में यात्रा का समय नहीं जोड़ा जाएगा। परमादेश, यदि किसी सार्वजनिक अधिकारी ने अपने पद के दायित्व को पूरा नहीं किया तो सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करते हुए कहता है कि हम आदेश देते हैं कि अपने पद के दायित्व को पूरा करो। प्रतिषेध, हम मना करते हैं, मतलब जैसे कोई काम या कोई मतलब वहां पर अधिकारी है कोई कार्य, तो वो मतलब प्रतिषेध करता है, मतलब रोक लगाता है कि हम मना करते हैं कि ये काम मत करो। उत्प्रेषण, मामले को ऊपर भेजो, मतलब जैसे कोई आप उपरोक्त दोनों रीत उन न्यायाधीश मामलों के विरुद्ध दी जाती है जिन्होंने अपनी अधिकारिता से बाहर जाकर काम किया हो। रिटों में प्रतिषेध की रिट तब दी जाती है जब अधीनस्थ न्यायालय में मुकदमे पर सुनवाई चल रही हो, इस रिट के माध्यम से सुनवाई को तुरंत बंद करके ऊपर के न्यायालय में भेजो के लिए कहा जाता है, ऊपर भेजो। उत्प्रेषण की रिट तब जारी की जाती है जब अधीनस्थ न्यायालय ने मुकदमे पर निर्णय दे दिया हो, यह रिट जारी करके उस निर्णय को रद्द करके मामले को ऊपर भेजने के लिए कहा जाता है। अधिकार पृच्छा, यदि कोई सार्वजनिक अधिकारी कोई पद अवैध तरीके से हथिया लेता है तो सुप्रीम कोर्ट इस रिट के माध्यम से उसे ये कारण बताओ नोटिस जारी करता है कि आपने किस अधिकार से अमुक पद को धारण किया है। इस तरह से रिट के माध्यम से पद के वैधता की जांच की जाती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये 5 प्रकार के रिटे थे, इनसे सरल भाषा में शायद और कोई समझाने में असमर्थ हो, क्योंकि इससे सरल भाषा में अब क्या समझाया जा सकता है, इससे सरल भाषा क्या लिखी जा सकती है। जैसे रिटे तो पुलिस अधिकारी के विरुद्ध कौन सी रिट जारी की, तो बंदी और प्रत्यक्षीकरण जारी की जा सकती है। सार्वजनिक अधिकारी के विरुद्ध तो अधिकार पृच्छा और परमादेश जारी की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध प्रतिषेध और उत्प्रेषण जारी की जाती है। पुनर्समीक्षा की अधिकारिता अनुच्छेद 137 के अंतर्गत आती है कि सुप्रीम कोर्ट अपने पूर्व निर्णयों की समीक्षा करके इसे बदल सकता है अनुच्छेद 137 के अंतर्गत। इसमें जितना मोस्ट इम्पोर्टेंट था मैंने बता दिया अभी हाल फिलहाल। इसमें कुछ प्रश्न है जो मैं लेकर आई हूँ और आप लोग उन्हें बताएंगे, क्योंकि आप ही मतलब बताएंगे तभी तो यहाँ पता चलेगा कि हम यहाँ से प्रश्न पूछेंगे कि आप पूरा वीडियो देखते हैं कि नहीं, तभी कमेंट करेंगे। और जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी ये आपको 2-4 प्रश्न मैं पूछ रही हूँ और उनका उत्तर आपको देना रहेगा। ठीक है, तो जैसा कि मैं पहला प्रश्न पूछ रही हूँ कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत क्षमता क्या है, 24, 20, 18, 19 और 5वां इसमें विकल्प 34, तो आप बताएं इसमें क्या हो सकता है। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश होते हैं, तो आप इसे बताइए कि 7 न्यायाधीश, 9 न्यायाधीश, 11 न्यायाधीश, 25 न्यायाधीश या संसद के द्वारा तय किए जाने पर। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1950 में भारतीय संविधान के द्वारा भारत सरकार के अधिनियम 1953 के अधीन, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के अधीन, आप इसका उत्तर देंगे। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग करता है पत्र लिखकर, किसे पद त्याग मतलब पत्र लिखकर पद त्याग करता है, तो मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, विधि मंत्री को। अगला प्रश्न है, यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु है, सर्वोच्च न्यायालय में ये याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय में पूछ रहा हूँ, 63 वर्ष, 65 वर्ष, 62 वर्ष, 64 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, मैंने बहुत अच्छे से इसे बताया कि कार्यवाहक की नियुक्ति कौन करेगा, तदर्थ की नियुक्ति कौन करेगा और जो कोलेजियम व्यवस्था के द्वारा की जाती है उसकी नियुक्ति कौन करेगा, तो आप बताएंगे सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा, प्रधानमंत्री करेगा, राष्ट्रपति करेगा या विधि मंत्री करेगा, इनमें से कौन करेगा, आप इसका उत्तर दीजिए। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है कहाँ पर है, सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालयों में, जनपद तथा सत्र न्यायालयों में या उपयुक्त सभी में, किसमें है, आप इसे बता सकते हैं तदर्थ न्यायालय की नियुक्ति कहाँ कहाँ पर दी गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस वार्ड में सर्वोच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, केशवानंद भारतीवाद में, गोलकनाथवाद में, एके गोपालनवाद में, मेनका गांधीवाद में, तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं और देंगे। आप सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में और आप पूरा वीडियो देखिए अच्छे से देखिएगा। और यहाँ पर ही मैं आज सर्वोच्च न्यायालय रुकती हूँ। अगर आप लोग कहेंगे मेरे पास हर एक शब्द की व्याख्या है
क्योंकि व्याख्या पढ़ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप लोग जब पढ़ने नहीं चाह रहे तो मैं कैसे पढ़ा दूं? पढ़ेंगे तभी ना पढ़ाएंगे। जब आप लोग कमेंट करेंगे कि ये चीज बताइए, आप लोग तो कुछ पूछते ही नहीं कमेंट के द्वारा, बस नाइस है, अच्छा है, बस इतने कह देते हैं, इतने से तो काम चलेगा नहीं। आप लोग यहाँ पर कमेंट करिए कि क्या कहते हैं आपको, मतलब अगर इसमें कुछ डाउट है सुप्रीम कोर्ट में तो आप कमेंट कर सकते हैं कि ये क्लियर नहीं हुआ, एक बार और आप बता दीजिए, या कुछ भी समस्या है, या पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो भी आप बता सकते हैं, या किसी अन्य प्रकार की कोई समस्या है तो भी आप बता सकते हैं। जितना भी मुझसे हो सकेगा मैं उतनी आपकी हेल्प करूंगी हर प्रकार से। तो आज का वीडियो यहीं तक, आपका दिन शुभ हो, और बस थैंक यू सो मच।